एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको गर्मियों का आई मेकअप बताऊंगी और जो बहुत ही इजी वे में आप कर सकते हो। तो पहले हम अपने आईब्रोज को सेट करेंगे और फिर उसके जो साथ में स्कूली है उससे अच्छे से मर्ज कर देंगे, जैसे जो एक्स्ट्रा हमने लगाया है वो निकल जाए। फिर हमने एले गर्ल का कंसीलर लिया है और गाइज इस समय काफ़ी सारा डिस्काउंट चल रहा है, जो आप मेरे लिंक से आप मंगा सकते हो। बहुत ज़्यादा डिस्काउंट है, 25 से ज़्यादा ही है और सारे प्रोडक्ट पे। तो मैं प्रोडक्ट लिंक दे दूंगी। और उसके बाद मैंने कलर बार का कंपैक्ट लिया था, उससे मैंने कंसीलर को सेट कर दिया। फिर मैंने NYV की काजल पेंसिल ली है, उससे हमने कॉर्नर पे इस तरह से एक वी सा बनाया है, एरो सा जैसे आप देख रहे हो, और इस तरह से। और गर्मियों में इस तरह से आप मेकअप करके अपना लुक चेंज कर सकते हो, बहुत ही इजी वे में बताया। फिर हमने मेकअप रेवोल्यूशन की आई शेडो पैलेट ली है, इससे मैं ग्रे ब्लैकिश ग्रे कलर है उसको लूँगी, वो ग्लिटर में है। फिर उसको मैं जहाँ पर मैंने काजल पेंसिल से लगाया था वहीं पर मैं इसको पाउडर ग्लिटर से सेट कर दूँगी, तो ये झड़ेगा भी नहीं और सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने उंगली से इसी आई शेडो पैलेट से लाइट कलर लिया है, ब्लू कलर, उसको मैं लगाऊंगी अंदर की तरफ। उसके बाद मैंने मेकअप रिमूवेशन की है, ये वाली आई शेडो पैलेट ली है गाइस, और इससे मैंने जो है क्रीज पे ये वाला कलर लगा रही हूँ, ब्राउनिश सा है, और इसको क्रीज पे, पूरी क्रीज पे फैलाएंगे और अच्छे से मर्ज कर देंगे। जो भी कलर आप दो उसको अच्छे से मर्ज कर दो। फिर उसके बाद ये सिमरी सा कलर लिया है, जो हमने लाइट सा लगाया था उसके ऊपर ये मैंने सिमरी सा ब्लू कलर लगाया है, और ये काफ़ी खूबसूरत लगेगा गर्मियों में। आप शादी पार्टी में फंक्शन में जा रहे हो तो ये लगता है ब्लू कलर डार्क, लेकिन ऐसा नहीं है, डार्क नहीं लगेगा क्योंकि ऊपर आपने लाइट ब्राउन कलर दे दिया है, तो इससे लुक बहुत ही खूबसूरत आएगा। और अगर आप आई मेकअप ग्लॉसी सा हाई करते हो तो आप अपने लिप का कलर लाइट कर सकते हो। फिर उसके बाद हमने ग्लिटर लिया है, इसको भी हम उसी के ऊपर इस तरह से लगा देंगे और जो कि काफ़ी खूबसूरत सा लगेगा। और उसके बाद मैंने लाइनर लगा दिया है, और लाइनर के बाद मैं मस्कारा लगा दूंगी। और ये देखिए आप कितना इजी वे में आपका, आप चाहो तो विंग्स आई लाइनर लगा सकते हो और चाहे जितना आप विंग्स निकाल सकते हो, ये आपके ऊपर है। फिर उसी आई शेडो पैलेट से मैंने जो हाईलाइटिंग एरिया पे मैंने इस तरह से हाईलाइटिंग कर दिया है। फिर काजल जहाँ मैंने लगाया था उसको ब्रश से सेट कर देंगे, जैसे काजल बिल्कुल भी फैले नहीं और अच्छे से स्टे रहे। अब ये आपका मेकअप जो है बिल्कुल स्टे रहेगा। फिर हमने एले गर्ल का जो है ग्लिटर लिया है, उसको मैं इस तरह से लगा दूंगी और ऊपर की तरफ भी, जैसे और कूल सा लुक आए। और ये आप देख सकते हो काफ़ी सुंदर सा लुक आया है। फिर आई सेट मैंने पास आई लेसेस भी लगा दी थी, तो अब आप इनका लुक देख सकते हो। अपने कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने फेस का मेकअप नहीं किया है, तो आप और कहीं भी फाउंडेशन वगैरह नहीं लगाया, सिर्फ आई मेकअप किया है, तो पूरा और बाकी जगह सब थोड़ा सा आपको काला लग रहा होगा, क्योंकि नीचे भी मैंने नहीं लगाया, सिर्फ आई बेस पे ही मैंने लगाया था। तो अगर कुछ थोड़ा सा गड़बड़ लगे तो प्लीज़ सॉरी उसके लिए, क्योंकि पूरा फेस का मेकअप मैंने नहीं किया था। अगर आपको ये मेकअप लुक अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद मैंने सेकेंड जो मेकअप किया है वो भी बहुत लाइट सा किया है, ये थोड़ा सा ब्लू पे है और ये बिल्कुल ही लाइट है। इसमें मैंने स्टे क्वेरी की जो है आई कंसीलर लिया है, मतलब कलर करेक्टर, और उसको मैं इस तरह से लगा दूंगी दोनों आँख पे। फिर से आप चाहो तो उंगली से ही फैला दो, आप चाहो तो ब्रश की मदद से इस तरह से कर सकते हो, और मैंने उंगली से ही कर दिया। इसमें मैंने थोड़ा सा नीचे की तरफ लगाया है, और उसके बाद इसको भी मैं कंपैक्ट से सेट कर दूंगी हल्के से, हल्का हल्का सा कंपैक्ट से सेट कर देंगे, जैसे कि जो भी शेडो लगाऊँ उसके क्रीज ना आए। फिर आईब्रो से मैं आईब्रोज को सेट कर दूंगी हल्के हल्के स्ट्रोक से, और इस तरह से फिर उसकी स्पूली की मदद से मैं आईब्रोज को सेट कर दूंगी। फिर मेकअप रेवोल्यूशन का मैंने ये आई शेडो पैलेट लिया है, इसका मैंने थोड़ा सा डार्क कलर लिया है रेड सा, और इसको रेडिश पिंक है, रेड नहीं कहेंगे इसको, पिंक है, डार्क पिंक है, और इसके मैं क्रीज पे इस तरह से लगा रही हूँ, और पूरी क्रीज पे हल्के हल्के से ब्रश चलाएंगे, बहुत ज़्यादा रगड़ कर ब्रश नहीं चलाएंगे, जितना आप हल्का ब्रश करोगे उतना ही अच्छा इसका रिजल्ट आता है शेडो का। और उसके बाद इसी का सिमरी लूँगी, वो मैं लास्ट में वी पे लगाऊंगी, और इस तरह से जैसे आंखों में सिमरी सा लुक आ जाए, कूल कूल सा। और उसके बाद ये इसी का सिमरी लूँगी,
जो गोल्डन और सिल्वर मिक्स है उसको मैं अंदर की तरफ इस तरह से लगा दूँगी। फिर उसके बाद हमने दूसरे आई शेडो पैलेट से गोल्डन कलर लिया है, क्योंकि एक आई शेडो में आपको आई शेडो पैलेट में सारे कलर नहीं मिल पाते हैं, तो आपको एक दो तो और यूज़ करनी पड़ती हैं। और उसके बाद मैं ब्रश की मदद से इसको पूरा फैला दूँगी, और बहुत ही इजी में मैंने बताया है और बहुत ही जल्दी में भी बताया है, क्योंकि इस समय काफ़ी डिस्काउंट है। तो वीडियो मैंने कहा आप बना दूँ और आपको दिखा दूँ, तो इस समय मैंने फटाफट मेकअप किया है, तो कुछ गलती हो गई हो तो सो आप करिएगा। बाकी मैंने जो लिंक दे दी है आप चेक कर लीजिएगा। और मैंने काजल लगाया, काजल के बाद काजल को भी मैं ब्रश से इस तरह से फैला दूँगी कि मैंने सोचा कि आप लोगों को फ़ायदा हो जाए, क्योंकि एले गर्ल वगैरह ब्रांड में काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट है गाइस, तो आप उसको चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद मैंने जो है उसी ब्राउन रेडिस ब्राउन जो सिमर सा लगाया था उसको मैं आँख के नीचे इस तरह से आई लिड पर लगाऊँगी, जैसे आँखें और अच्छी सी लगें। फिर मैं मस्कारा लगाऊँगी, और बहुत पास से मैंने वीडियो बनाया है तो आप इसको देखिएगा और अच्छे से आपको आ जाएगा करना। और क्योंकि पूरे फेस का भी मैंने नहीं किया था, कुछ भी फेस पे नहीं लगा हुआ था, बस मैंने जल्दी जल्दी आई मेकअप कर दिया है। और इसमें मैंने शायद आई फॉल्स आईलेसेस भी लगाना भूल गई, तो सॉरी गाइस। और मैंने पहले वाले में आईलेसेस लगा दी थी, क्योंकि बहुत जल्दी में मैंने किया है मेकअप, ये मेरा पूरा मेकअप लुक हो गया। फिर सारा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अपने कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइएगा कि आपको मेकअप लुक कैसा लगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आलू जेटली के नाम से है, मेरे काफ़ी सारे वीडियोस पड़े रहते हैं। और सीमा जेटली चैनल पर मैं हर शनिवार को हेयर कटिंग का वीडियो डालती हूँ।